फाइनली काफी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये है मेरा गो टू ग्लोई मेकअप लुक। अभी मैंने अपना मेकअप रूटीन काफी अपडेट भी किया है, तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है और मेरी ड्राई स्किन है तो मैं ये मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ये मेकअप को स्टिक करके रखता है और चेहरे को हाइड्रेट भी रखता है। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस स्प्रे और इसके बाद मैं यूज करूंगी बेनिफिट का द पोर फैशनल पोर प्राइमर। मेरे बहुत सारे ओपन पोर्स है फोरहेड पर, चीक्स पर, तो जहां जहां मेरे ओपन पोर्स है वहां पर मैं इस प्राइमर को अप्लाई करूंगी। अगर आपका ओपन पोर्स नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिया है पैक का स्ट्रोबिंग क्रीम इन द शेड पीच। ये मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, ये हाइलाइटिंग क्रीम है तो मेरे चेहरे के हाईएस्ट पॉइंट्स पर मैं इसको अप्लाई करूंगी। ये एज ए हाइलाइटर काम करेगा और ये बहुत ही ग्लो देता है मेकअप कंप्लीट करने के बाद, बहुत ही ज्यादा ग्लो देता है, एकदम स्किन लाइक फिनिश भी आता है लेकिन ग्लोई हो जाता है आपका फेस। इसके बाद मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर कंसीलर इन द शेड कैंडियर जिंजर और इसे मैं बहुत थोड़ा ही लगाऊंगी, जहां जहां पर मेरे पिगमेंटेशन है वहां पर ही लगाऊंगी और इसके बाद मैं ब्रश से ब्लेंड करूंगी। अगर आप ब्रश से ब्लेंड करते हैं तो कवरेज थोड़ा ज्यादा मिलता है, इसलिए मैं आजकल ब्रश यूज करती हूँ। ये है मेबिलिन फिट मी फ्रेश टिंट इन द शेड 05। इसे मैं हथेली पे लेने के बाद फाउंडेशन ब्रश से अप्लाई करूंगी। अगर आप ब्रश से अप्लाई करते हैं तो सीमलेसली ब्लेंड होता है और बहुत ही अच्छा कवरेज भी मिलता है आपको, तो मैं ब्रश से अप्लाई करती हूँ आजकल। इसके बाद मैं नेक पर भी ब्रश से ही अप्लाई करूंगी और लास्ट में थोड़ा सा मैं ब्यूटी ब्लेंडर चलाऊंगी ताकि और भी स्मूथ लगे मेरा फेस। यह है Maybelline Instant Age Rewind Eraser in the shade Sand। इसे मैं लगा रही हूँ मेरे चेहरे को हाईलाइट करने के लिए, मतलब जिन जिन पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वहां पर मैं इस कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसे ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे के जो हाईएस्ट पॉइंट्स है वो अपलिफ्ट हो गए हैं। यह है LA Girl का प्रो कंसील कंसीलर इन द शेड टोस्ट। पहले मैं चेहरे पर ड्रॉ करती थी पर आजकल मैं वो नहीं करती हूँ, मैं ब्रश से लेती हूँ, छोटा सा एक ब्रश है कॉन्टोर करने के लिए उससे मैं लेती हूँ और इसके बाद मैं चेहरे पर अप्लाई करती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होता है, आप थोड़ा थोड़ा लेके अप्लाई कर सकते हो और आप सीमलेसली ब्लेंड कर सकते हो। जब आप कंप्लीट ब्लेंड कर लोगे ना तो वो एकदम नेचुरल शेडो क्रिएट करता है, बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता और बहुत ही नेचुरल लगता है, तो इसलिए मैं आजकल ब्रश यूज करती हूँ कॉन्टोर को अप्लाई करने के लिए भी और ब्लेंड करने के लिए भी। इसके बाद मैं ले रही हूँ क्रॉश का स्वीट चिक्स ब्लश इन द शेड रस बेरी टार्ट और इसे मैं लगाऊंगी, थोड़ा लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा ही अप्लाई करूंगी और इसके बाद मैं स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से क्या होता है, प्रोडक्ट जहां पर मैंने अप्लाई किया है वहां पर ही रहेगा, ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा और सीमलेसली ब्लेंड होगा। ये है मेबिलिन फिट मी लूज पाउडर इन द शेड लाइट मीडियम। इस पाउडर को मैं स्पंज में ले रही हूँ और एक्सेस पाउडर रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लेके अंडर आई पर अगर थोड़ा सा भी क्रिस है मैं ब्लेंड कर लूंगी और तुरंत बाद मैं पाउडर अप्लाई कर लूंगी। ऐसा करने से क्या होता है, अंडर आई एकदम स्मूथ रहता है और बिल्कुल भी क्रीस लाइन नहीं दिखता है। और इसके बाद जहां मैंने हाईलाइट किया है उन पॉइंट्स पर मैं पाउडर ब्रश से पाउडर अप्लाई करूंगी कॉन्टोर लाइन को छोड़ के। और कॉन्टोर को सेट करने के लिए मैंने लिया है बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर इन द शेड ब्राउन। मैं जस्ट कॉन्टोर जहां पर मैंने किया है वहां पर मैं हुला ब्रॉन्जर लगाऊंगी, यहाँ पर मैंने पहले पाउडर अप्लाई नहीं किया है। ऐसा करने से क्या होता है, चेहरा बिल्कुल भी केकी नहीं होता है और पाउडरी नहीं दिखता है। तो लेस इज मोर इस थ्योरी को अप्लाई करो तो बहुत ही ज्यादा सीमलेस दिखेगा आपका मेकअप, बहुत ही ड्यूई ग्लोई लुक आएगा।
ये है शुगर का कॉन्टोर द फोर्स मिनी ब्लश इन द शेड पिंक पिनाकल, और इसे मैं लगाऊंगी और थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगी। और आप देख सकते हो मैंने कहाँ अप्लाई किया है, कॉन्टोर लाइन और हाइलाइटिंग जहाँ किया था ठीक बीच में मैंने ब्लश को अप्लाई किया है, और नाक पर और चिन पर भी मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। ये है बेका का हाइलाइटर इन द शेड शैम्पेन पॉप, ये मैंने नया नया लिया है और पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने स्मॉल ब्रश में लिया है और मैं अप्लाई कर रही हूँ, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही नेचुरल लुकिंग हाइलाइटर है, बिल्कुल भी चंकी ग्लिटरी नहीं है, एकदम पूरा स्मूथ फिनिश है इसका, और अप्लाई करने के बाद एकदम नेचुरल लगता है। और आप देख सकते हो हाइलाइटर को मैंने जस्ट अप्लाई करके छोड़ नहीं दिया है, मैं हाइलाइटर लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, चेहरा एकदम ड्यूई ग्लोई लगता है और नेचुरल लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत सारा मेकअप अप्लाई किया है, चंकी या फिर केकी बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ही ड्यूई सटल ग्लोई लुक आता है। तो हाइलाइटर मैं अप्लाई कर रही हूँ चेहरे के हाइएस्ट पॉइंट्स पर, और इसके बाद मैंने फिर से लिया है बेनिफिट का हूला ब्रॉन्जर, और इसे मैं लगाऊंगी आईज के जहां पर मैं डेप्थ लाना चाहती हूँ, क्रीज लाइन के थोड़े ऊपर और लोअर लैश लाइन के आउटर कॉर्नर पर मैं इसको अप्लाई करूंगी, तो फिर मेरे आईज पर डेप्थ आ जाएगा। और इसके बाद मैं लूंगी मार्स का नॉर्दर्न लाइट इन अ पैन आई शेडो, और ये डुओक्रोमेटिक आई शेडो है, इनमें दो शेड दिखता है, इसमें पिंक दिख रहा है और थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है, तो इसे मैं आईलिड पर अप्लाई करूंगी। आजकल मैं इसी तरह से आई मेकअप करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आपको बहुत कम वक्त लगता है आई मेकअप करने में, और जब आप इस तरह से आई मेकअप करते हो ना, डुओक्रोमेटिक अगर आपने आई शेडो अप्लाई कर लिया, तो फिर आपको कुछ भी ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, जब आप सामने से देखोगे लगेगा कि आईज के आउटर कॉर्नर पर डेप्थ है और जहां पर आईबॉल है उस जगह पर शिमर है, तो बहुत ज्यादा आसानी से आई मेकअप हो जाता है। अब मैं आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ और लगा रही हूँ मेरा फेवरेट मस्कारा, मेबेलिन कलोसल मस्कारा, और मस्कारा भी आप देखो मैं हरबरी में नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं अच्छे से लगा रही हूँ, और आईलैशेस में बहुत कम यूज करती हूँ, डेली लाइफ में मैं आईलैश बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, अगर हैवी लुक करना है तभी मैं आईलैश यूज करती हूँ, वरना मस्कारा ही काफी है। और थोड़ा सा मैं विंग ड्रॉ करूंगी एकदम छोटू सा, तो मैंने मेबेलिन का लाइनर लिया है, छोटा सा मैंने विंग वाला लाइनर लगा लिया, और अब मैंने लिया है नाइका का लिप लाइनर इन द शेड डर्टी सीक्रेट, ये मेरा फेवरेट लिप लाइनर है, न्यूड कलर में फेवरेट लिप लाइनर है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में है और अप्लाई करना बहुत आसान है, तो इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं ले रही हूँ मेरा फेवरेट लॉरियल का लिपस्टिक इन द शेड आई डिसाइड, ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है, दो तीन बार मैं यूज कर चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, बहुत ही स्वीट पिंक कलर है इस लिपस्टिक का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा लिप को भी कॉन्टोर करूंगी, थोड़ा सा कंसीलर लेके मैं एजेस को थोड़ा सा क्लीन करूंगी, ऐसा करने से पाउटी लुक आता है और बहुत ज्यादा नेचुरल भी लगता है, लेकिन बहुत पाउटी लुक मिलेगा आपको। अभी आप देखो मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैजिक स्टेप अभी भी बाकी है। हाँ, मैं इसे मैजिक स्टेप कहती हूँ, क्योंकि आप देखो इतना मेकअप करने के बाद भी अगर आपने आईब्रो कंप्लीट नहीं किया तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये है मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम नाइका, और इससे मैं आईब्रो ड्रॉ करूंगी और बहुत ही नेचुरल रखूंगी, लेकिन एकदम फिनिश वाला लुक दूंगी अपने आईब्रो को, और इसके बाद देखो पूरा मेकअप लुक एकदम पुट टुगेदर लगता है, एकदम कंप्लीट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो आईब्रो किए बिना आपका मेकअप कभी कंप्लीट नहीं होता। और ये है पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर, मेरा फेवरेट मेकअप फिक्सर है, इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसे अप्लाई करने के बाद ना मेकअप एकदम रिफ्रेशिंग लगने लगता है। और ये है आज का फाइनल लुक, आप देखो कितना ज्यादा नेचुरल लग रहा है, मेरे नेक के साथ मेरे फेस का कलर कितना मैच हुआ है अच्छे से, और ग्लोई ड्यूई लुक है, और बहुत ही आसान स्टेप्स में आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, वक्त भी कम लगता है और बहुत खूबसूरत लगोगे आप। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगले वीडियो पर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।